सर, मेरा एक सवाल था कि हमारे दोस्त के एक चचा हैं जिनकी उम्र नियरेस्ट 90 के करीब करीब है। उनको हमेशा के लिए यूरिनरी बैग लगाया हुआ है, तो जी वो नमाज उनके लिए नमाज का हुक्म क्या है? यूरिनरी बैग हमेशा लगा हुआ है उनको जी कमर पर। बिल्कुल। देखिए, जी, सवाल नमाज बात है। जब तक एक मुसलमान का दिमाग काम करता है, जब तक दिमाग जिंदा है, तब तक जी नमाज माफ नहीं है। किसी भी सूरत में जब तक दिमाग जिंदा है, अक्ल काम कर रही है, तब तक नमाज माफ नहीं है। नमाज उसी वक्त माफ है जब अक्ल काम करना बंद कर दे। तो नमाज हर हालत में उनको पढ़ना है। यहां तक कि कोई आदमी पानी नहीं पा रहा है, मिट्टी और तैमुम करने के लिए भी कुछ नहीं पा रहा है, तो ऐसे ही नमाज पढ़ना है उसको, लेकिन नमाज माफ नहीं है। तो जिनको परेशानी है, जी बीमारी है, उनको बैग लगा हुआ है, पेशाब की थैली लगी हुई है, उसमें पेशाब इकट्ठा हो रहा है, या कई सारे लोगों को ऐसी बीमारी भी होती है कि पेशाब टपकता रहता है, जो सलसल बौल की बीमारी जिसको कहते हैं, और वो मुमकिन ही नहीं है कि वो जैसे नमाज 4-5 मिनट तक वो साफ सुथरे रह सके, तो ऐसे आदमी को रुख्सत है हमारी शरीर में। वजू बना लीजिए और नमाज पढ़िए। तो वो जिनको बैग लगा हुआ है, आप उनको वजू बनवा दीजिए, उसके बाद वो नमाज पढ़ें। खड़े होकर के पढ़ सकते हैं, खड़े होकर के, बैठ करके पढ़ सकते हैं, बैठ करके, वो भी नहीं तो लेट करके। अगर कुछ नहीं है तो इंसान आंखों के इशारे से, वो भी नहीं कर सकता है तो नियत में, लेकिन जी नमाज पढ़ना है हर हाल में।